श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया छोटा सा सरल सा उपाय है जो आपको अनंत चतुर्दशी के दिन करना है। बहुत ही शुभ संयोग है, इस दिन गणपत बप्पा का विसर्जन होगा, साथ ही इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में आप यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चय रूप से धन की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको यह उपाय शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके बाद उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और 108 वाती का दीपक बनाकर तैयार करना है। ध्यान रहे, बातियां अलग अलग नहीं बनानी है, यानी कि आपको 108 बार धागे का प्रयोग करना है और उस धागे को प्रयोग करने के बाद उसकी एक ही बाती बनानी है। उस बाती को बनाने के बाद आपका दीपक तैयार है। उसके बाद आप उस दीपक को किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें, यानी कि आपको वह पीपल वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल की जड़ में वह दीपक आपको जलाना है। उसके बाद जहां आपने दीपक जलाया है उसी के पास एक चुटकी मिट्टी आपको लेकर आनी है। उस मिट्टी को लाकर अपने घर में किसी भी लाल कपड़े में बांध कर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जिंदगी में आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं आएगी, दिन दूना रात चौगनी आपकी धन संपदा बढ़ती रहेगी। उम्मीद है ये उपाय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई जानकारी अच्छे से समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछ लें, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।